फिर सर जी मेरे कमरे में आए क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इन्फेक्शन फैल गया तो मैं मर भी सकती थी, आप सब पे पुलिस केस भी हो सकता था। सर जी ने इतनी समझदारी का काम किया लेकिन आप उन्हें बेवकूफ ठहराने पे तुले हुए हैं। सर जी ने मुझसे कहा कि सुबह होते ही मैं टिटनेस का इंजेक्शन लगाऊं ताकि इन्फेक्शन रुक सके, लेकिन आप में से ये बात किसी को नहीं पता थी। मुझे माफ करना चाहिए, मैं भी था वहां पे, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। जीठू आपकी गलती नहीं है, चोट कितनी गहरी लगी है सिर्फ बड़ों माओ छोटों को पता था, पर किसी को भी नहीं। बस यही प्रॉब्लम है, ये लड़की हर बार ड्रामा करेगी और अपनी बातों में सबको कंफ्यूज करेगी, अपनी बातों में इतना घुमाएगी कि लास्ट में लगेगा हमारी गलती थी। मैं यहाँ सबके सामने बता रही हूँ, आप लोग देख लेना, एक दिन ये लड़की अपनी बहन की जिंदगी तबाह करके रहेगी। ताकि मुझे अभी लगता है अनी और पर्शी की शादी मुझे अटेंड नहीं करनी चाहिए। आपकी नजर से देखा जाए तो मैंने बहुत सारी गलतियां की है और उन्हें सही करना नामुमकिन है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं उन्हें सही करना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हमें चलना भी इंजेक्शन के लिए, ओके? काम खत्म करो, रेडी हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम अकेले चली जाती, लेकिन मैं हूँ, मैं लेके जाऊंगा। अनी तुझे अगर देर हो रही है तो मैं जेठू, मुझे पता है कि आप हैं, ऐसे तो छोटू हम भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ जाए। अगर ये मेरे साथ चलेगी ना तो बाकियों को एक बहाना मिल जाएगा, जिसके लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। नहीं मान सकता कि मेरा बेटा ऐसी बातें कर रहा है। बाबा मानने वाली बात नहीं है, अगर आपने जानने की कोशिश की होती ना तो आज मुझे ये नहीं कहते होते आप, और जो भी मेरे बारे में गंदी सोच रखते हैं उनकी बात मत मानिए। बाबा उन पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि मैं और जनक हम दोनों ये डिजर्व नहीं करते हैं। क्या वो जनक चलना नहीं है?